लास्ट क्लास में हमने थ्योरी जो है वो इसकी डिस्कस की थी डिटेल में। मैंने आप लोगों को दो स्टेप बताए थे कि जब भी आपने कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो सबसे पहले आपने डिस्कस करना होता है बेस केस। बेस केस में क्या करते हो, स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है कि हम एन की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं कि आपके स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। फिर दूसरा स्टेप होता है जिसको आप कहते हो इंडक्टिव स्टेप, जिसमें आप अपनी तरफ से एक चीज़ एज्यूम करते हो कि आपके स्टेटमेंट के पे ठीक है। इस एजम्पशन को लेके आप प्रूफ करते हो कि क्या के प्लस 1 पे ठीक है या नहीं। अगर आपके स्टेटमेंट के प्लस 1 पे प्रूव हो रही है ठीक है, इसका मतलब फिर आप कंक्लूड कर देते हो कि आपके स्टेटमेंट एन की सब नेचुरल वैल्यू पे ठीक है। थ्योरी में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो मैं अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही करवाऊंगा। आप लोग कहोगे सर पूरी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन में एक ही करवाऊंगा। जहाँ पे मसला होता है ना जिन स्टेप्स में, वो स्टेप मैं हर क्वेश्चन का करवाऊंगा आपको, ताकि जो मसले वाला हिस्सा है वो हो जाए। जो एक प्रेजेंटेशन है पूरी क्वेश्चन की पेपर में किस तरह करनी है, वो एक ही क्वेश्चन में मैं कवर करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8.1 का, उससे स्टार्ट करते हैं बात को। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, प्रोपोजिशन है कि 1 + 5 + 9 up to 4n-3 प्रूफ करो कि ये बराबर है n × 2n-1। ये सवाल आपको दिया गया है और ये आपको प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इनके स्टेप्स कैसे होते हैं, मैं बिल्कुल बुक वाले स्टेप ही डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशन पे अगर आप आओ तो वही बात कि बेस केस आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप बेस केस डिस्कस करोगे और आप वेरीफाई करो, वेरीफाई द प्रोपोजिशन या PN लिख दो आप फॉर n इक्वल टू 1। सबसे पहले आप बेस केस डिस्कस करोगे, स्टार्टिंग करोगे कि क्या ये स्टेटमेंट किसी वैल्यू पे ठीक है। 1 हमने ली हुई है तो हम ज़रा चेक करते हैं 1 पे ठीक है या नहीं। तो 1 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब एक टर्म, पहली टर्म। n इक्वल टू 1 का मतलब पहली टर्म, n इक्वल टू का मतलब दो टर्म, क्योंकि सम का फॉर्मूला है। सम के फॉर्मूले में क्या कि आपने n की वैल्यू 2 मतलब दो टर्म का सम आपने लेना है। फिर n की वैल्यू 3 का मतलब तीन टर्म का आपने सम लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये एक सीक्वेंस होती तो n इक्वल टू का मतलब होता दूसरी टर्म, n इक्वल टू 3 का मतलब होता तीसरी टर्म, ये मतलब होता है। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू पे ज़रा चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो पहली टर्म 1 ही है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 ही लिखोगे, राइट हैंड साइड में आप n की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ब्रैकेट के अंदर 2 − 1 1 होता है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया 1 = 1, तो बेस केस तो बच्चों वेरीफाइड हो गया है, ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप पे जो है इंडक्टिव केस। इंडक्टिव केस में सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे एजम्पशन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज्यूम करोगे, ठीक है, एज्यूम दैट प्रोपोजिशन पी एन जो है इज ट्रू फॉर सम नेचुरल एन की वैल्यू के। आप लिख भी सकते हो नेचुरल, बुक वाले पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है लेकिन मैं नेचुरल लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एन इक्वल टू के, दैट इज़ कि आपने प्रूफ किया कि आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो एन की वैल्यू के पे ठीक है। तो एन की वैल्यू के पे ठीक का मतलब जब आप एन की जगह के पुट करो तो स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी, मतलब आप एन की जगह के पुट कर दो पूरी स्टेटमेंट में, मतलब 1 + 5 + n ठीक है, और एन की जगह के पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी के पुट कर दो, सॉरी राइट हैंड साइड पे भी के पुट कर दो। तो आपने ये बात मानी है कि एज्यूम किया इस बात को कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k के ऊपर। तो जब स्टेटमेंट ठीक है तो आप n की जगह k पुट करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आएगी। इस वाली चीज़ को मैं 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपने एज्यूम किया, ये आपकी एजम्पशन है। अब इस एजम्पशन पे आपने प्रूफ करना है कि k प्लस 1 पे भी ठीक है आपकी स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखो, नाउ We shall prove that proposition is true for n equal to k plus 1। यार इन सवालों में मैं प्रेफर करूँगा कि आप वर्डिंग लिखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें स्टेप्स ना लिखो, सिर्फ वर्डिंग भी लिखो, बताओ उनको कि कॉन्सेप्ट चलता हुआ क्या आ रहा है। वरना आप k पुट करोगे फिर नेक्स्ट पे k प्लस 1 पुट करोगे, मतलब ऐसा लगेगा रट्टा मारा हुआ है। तो ये 2-3 वर्डिंग है, ये आप मैं लिख लो, याद कर लो, इतना मुश्किल नहीं है, समझ के भी लिखो। मैं बुक वाली वर्डिंग लिखी नहीं है, मैं बुक में बस याद रखा हुआ है कि किस किस जगह पर कौन सी लाइन लिखी हुई है उन्होंने, क्योंकि मेरी इंग्लिश से आप लोगों को पता है वीक ही है थोड़े। तो आपने लिखा हुआ है कि नाउ वी शैल प्रूव दैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस 1। हमें प्रूफ करना है कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस 1 पे ठीक है,
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप मेजॉरिटी सॉल्यूशन में मैंने देखा कि टीचर मिस करते हैं और यहाँ से बच्चों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मतलब सवाल ये है कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, मतलब बनेगा क्या, मतलब क्या प्रूफ क्या करना है आपको के प्लस वन पे, मतलब क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ आएगी तो आप बोलोगे प्रूफ हो रहा है। तो सर हम के प्लस वन वाला केस डिस्कस करते हैं। ये के वाला केस था, के प्लस वन वाला केस देखते हैं। तो मतलब ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, इसको मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ। 1 + 5 + 9 + ……4k − 3। अब देखो ये वाली टर्म जो है ये kth टर्म है, ये एक जनरल टर्म थी ना आपके पास। जनरल टर्म में आप n की जगह k पुट करोगे तो आपके पास kth टर्म आ जाएगी। इसके बाद वाली टर्म जो है वो क्या कहलाएगी, k प्लस वन टर्म। और k प्लस वन टर्म कैसे आएगी, जनरल फॉर्मूला है ना आपके पास, ये जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो प्लस के बाद डॉट डॉट लिखा हुआ है कि जैसे 1 5, जैसे इसके अंदर 1 पुट करो तो 1 आ रहा है, 2 पुट करो 5 आ रहा है, 3 पुट करो 9 आ रहा है, तो एक जनरल टर्म है। तो अगर आपको kth टर्म निकालनी थी आपने n की जगह k पुट कर दिया, अगर आपने k प्लस वन टर्म निकालनी है तो आप इस जनरल फॉर्मूले में n की जगह k प्लस वन पुट कर दो। तो इसके बाद वाली जो टर्म k प्लस वन टर्म कैसे आएगी, आप इस फॉर्मूले में n की जगह पे, ये रफ वर्क में पुट कर लेना, n की जगह पे k प्लस वन पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4k + 4 − 3, 4k + 1। तो ये जो kth टर्म है ना, इसके बाद जो k प्लस वन टर्म होगी वो क्या होगी, 4k + 1। ये चीज मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो स्टेटमेंट वर्क किस तरीके से करती है। आपने बोला था कि k पे ठीक है, तो kth टर्म kth पे कैसे आपने किया, n की जगह k पुट कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट k वाली आपके पास आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रूफ करो कि ये स्टेटमेंट k प्लस वन पे भी ठीक है, और वो मैं चीज़ लिख रहा हूँ k प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट किस तरह लगेगी। आपकी स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड इस तरह नजर आएगी आपको कि k टर्म होगी, k टर्म के बाद कौन सी वाली टर्म है, k प्लस वन टर्म है। ये k प्लस वन टर्म कैसे आएगी, तो जनरल टर्म फॉर्मूला है, इसमें k प्लस वन पुट कर दो तो आपके पास k प्लस वन टर्म आ जाएगी। तो k प्लस टर्म तक पूरा सम जो है वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड पे भी k प्लस वन पुट कर दो। जैसे यहाँ पे आपने बोला था आपकी स्टेटमेंट k पे ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जनरल टर्म की जगह k पुट किया था तो राइट हैंड साइड पे भी k पुट किया था। तो अगर अब आप बोल रहे हो कि आपकी स्टेटमेंट k प्लस वन पे, तो k प्लस वन पे क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने k प्लस वन पुट किया, जनरल टर्म के बाद k प्लस वन पुट किया, तो राइट हैंड साइड पे भी सम में क्या होगा, k की जगह क्या पुट कर दोगे, k प्लस वन। ठीक है, तो ये जो 2 है, 2 के बाद k की जगह k प्लस वन पुट कर दो। ये बच्चों स्टेटमेंट है जो आपको प्रूफ करनी है, जो मैंने ब्लैक से लिखी है, ये वो स्टेटमेंट है जो n इक्वल टू k प्लस वन पे आपकी आएगी स्टेटमेंट। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि आपकी स्टेटमेंट k प्लस वन पे ठीक है। दैट इज आपकी स्टेटमेंट k प्लस वन पे क्या होगी, ये होगी। बस एक और दफा मैं बताया तो अपनी तसल्ली के लिए, अगर आपको समझ आ गया स्किप कर देना, कि ये जो थी ये k टर्म तक थी। अब मुझे अगर k प्लस वन वाली स्टेटमेंट बनानी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं क्या करूंगा, इस kth टर्म के बाद k प्लस वन टर्म लिखूंगा, और k प्लस वन टर्म कैसे आएगी, इस जनरल टर्म में पुट कर लेना। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे सम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये वाला सम का फॉर्मूला है nth टर्म पे। अगर आपने kth टर्म वाला सम का फॉर्मूला निकालना था तो आपने k पुट कर दिया था, और अगर आपने k प्लस वन वाला फॉर्मूला निकालना है सम का तो आप n की जगह k प्लस वन पुट कर दोगे। तो आपकी स्टेटमेंट k प्लस वन पे ये होगी कि ये पूरी चीज बराबर होगी किसके, इसके बराबर होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड आप इसके बराबर प्रूफ किस तरीके से करोगे, अब जरा प्रूफ हम देख लेते हैं। तो मैं यहां पे जानबूझ के प्रूफ की हेडिंग डाल रहा हूं, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी प्रूफ की हेडिंग, क्योंकि बच्चे यहां पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर डायरेक्ट वो वाला स्टेप करवाते हैं जो मैं करवाने लगा हूं आपको। तो इसको याद रखना कि आपको मैंने ब्लैक में तभी लिखा है कि आपको ये चीज प्रूफ करनी है, आपको ये चाहिए कि k प्लस वन पे आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह नजर आ रही होगी, k पूरी लेफ्ट हैंड साइड ये ऐड होगी इसके बराबर होगी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ये प्रूफ हुआ नहीं है, ये करना है आपको प्रूफ। अब किस तरह प्रूफ करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो स्टेटमेंट वन लिखी हुई है इसको हमने ट्रू माना था ना, ये चीज हमें ट्रू प्रूफ करनी है जबकि ये चीज हमने ट्रू मानी भी है। अगर आप ऊपर देखो लिखा हुआ है कि हमने अज्यूम किया हुआ है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और यहां पे लिखा हुआ है नाउ वी शैल हैव टू प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है और ये ऑलरेडी प्रूव है, मतलब हमने अज्यूम किया हुआ है कि स्टेटमेंट ठीक है, मतलब स्टेटमेंट वन ठीक है। अब मतलब स्टेटमेंट वन ठीक का मतलब ये पूरी चीज इसके बराबर है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। तो अब मैं इसमें दोनों तरफ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो स्टेटमेंट तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि 1 + 2 = 3 के, ये स्टेटमेंट आपको पता है ठीक है पूरी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप -1 दोनों तरफ ऐड करवा दो
तो स्टेटमेंट को फर्क पड़ा, अभी भी आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर कोई स्टेटमेंट ऑलरेडी ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे कोई चीज़ ऐड करवाओ, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों तरफ को डिवाइड करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो ये स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी ठीक मानी हुई है, अगर मैं इसके साथ कुछ चेंजिंग करता हूँ तो वो ठीक कंसिडर की जाएगी। अब मैं ज़रा इसके साथ चेंजिंग करता हूँ, चेंजिंग मैं क्या करूँगा, देखो ये स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये ठीक है ना, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ और इस चीज़ को मुझे किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर इस स्टेटमेंट में मैं कुछ चेंजिंग करके इस पूरी चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज किस तरीके से करना है, आप अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो और इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, आपको एक टर्म मिसिंग नज़र आ रही है। इस टर्म में ये चीज़ है जो कि इधर मौजूद नहीं है। तो अगर आपने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना है और आपने देखना है कि वाकई राइट हैंड साइड, असल मसला राइट हैंड साइड का है कि यार ये के पे है, ये के प्लस वन पे, अगर इसको आप प्रूफ कर दो ना किसी तरह कि पूरी चीज़, मतलब ये वाली पूरी चीज़ इसके बराबर आ रही है, मतलब राइट हैंड साइड यही आ रही है, तो सवाल हल हो जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, आप देखो ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, आप क्या करो इस वाली टर्म को दोनों तरफ ऐड करवा दो ताकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम हो जाए ना, फिर राइट हैंड साइड को सेम कर लेंगे। आप क्या लिखो, आप लिखो एडिंग 4k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 के दोनों तरफ आप 4k प्लस 1 ऐड करवा दो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मुझे सेम करनी है। तो अब ज़रा क्या होगी, 1 implies दैट स्टेटमेंट है 1 प्लस 5 प्लस 9 डॉट 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 प्लस 4k माइनस 3, ये स्टेटमेंट 1 थी, इसके अंदर मैंने ऐड करवा दिया 4k प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4k प्लस 1 ऐड हो गया इक्वल टू, राइट हैंड साइड इसकी थी के 2k माइनस 1 प्लस, तो 4k प्लस 1 आप राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवा दो, ये मैंने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करवा दिया, ठीक है। तो एक जो स्टेटमेंट 1 ठीक थी उसके साथ मैंने चेंजिंग की, क्या चेंजिंग की, लेफ्ट हैंड साइड मैंने सेम कर ली। अब देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अगर मैंने किसी तरह राइट हैंड साइड को इसके बराबर प्रूफ कर दिया तो ये मेरी बात प्रूव हो जाएगी कि ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ अगर इसके बराबर हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी ठीक मानी जाएगी। उस वाली स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड यही है ना, तो बस आपने क्या करना है, आपने इधर चेंजिंग करनी है और किसी तरह आपका गोल होना चाहिए कि इस पूरी चीज़ को आप इस तरह कन्वर्ट कर लो तो जो ब्लैक में स्टेटमेंट लिखी हुई ठीक मानी जाएगी, मतलब n इक्वल टू k प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट ठीक मानी जाएगी, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो हर सवाल में आपको एक्स्ट्रा करनी है, क्योंकि अभी तक जो वर्किंग की है ये बस फॉर्मेलिटी के स्टेप हैं आपके, को बहुत बड़ा काम नहीं किया आपने। असल चीज़ ये थी, ये 4k प्लस कैसे मैं लाया, 4k प्लस 1 मैं कैसे लाया, मैंने आपको बताया तो जनरल टर्म में इसकी जगह k प्लस 1 पुट कर देना। तो हर सवाल में ना सबसे पहली चीज़ ये मालूम करनी होगी आपको, जैसे ये मालूम हो जाएगा आप ऐड करवा देना दोनों तरफ और उसके बाद आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो बाकी जितने सवाल हैं ना उनकी एग्जैक्ट यही काम करना है, सबके अंदर आपने इसी तरह ब्लैक में लिखना है, इसी तरह इसको स्टेटमेंट मन देना है, एग्जैक्टली सारे सेम यही स्टेप करने हैं। फ़र्क होगा हर एक के राइट हैंड साइड में, तो मैं हर एक की राइट हैंड साइड सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिए, बाकी सबकी जो राइट हैंड साइड है उनको हम सॉल्व कर लेंगे कि किस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर। तो देखो ज़्यादातर सवालों में तो आप कॉमन लोगे, लेकिन इस सवाल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस, अब लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, वो अपनी जगह पे राइट हैंड साइड में चेंजिंग कर रहे हैं हम। पेपर में आप इक्वली वाली साइड इसके सामने लिखोगे ना, फिर उसके नीचे सारी वर्किंग करना। अच्छा ये हो जाएगा 4k प्लस 1, उसके बाद 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k प्लस 1। अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक करो आप, हाँ 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस k प्लस 1, 2k आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k प्लस 1। अच्छा कॉमन आ रहा है k प्लस 1 और यहाँ पे आ रहा है 2k प्लस 1। अगर आप ऑब्जर्व करो k प्लस 1 k प्लस 1 एग्जैक्ट सेम हो गया, किसी तरह ये दोनों चीज़ें भी सेम है, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में लिख दो ताकि एग्जैक्ट मैच कर जाए, ये k प्लस 1 वाला सम का फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। तो किस तरह लिखोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप 2 के अंदर लिख दो k प्लस 1 और इसको माइनस 1 लिख देते हैं, एग्जैक्ट आप उसे मैच करके देखो, ये जो चीज़ थी ना मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दी। अब क्या देखो, क्या ये चीज़ के बराबर है, ऊपर करके देख लो, 2 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2k, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, वो वाला 2 इस माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। तो जो ऊपर चीज़ लिखी है वो एग्जैक्ट आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और अब आप इसको ऑब्जर्व करो
कि जो पूरी चीज़ का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर। और यही आपकी स्टेटमेंट थी जो आपने प्रूफ करनी थी, कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे ठीक है। और आपने प्रूफ कर लिया के प्लस वन पे पूरी स्टेटमेंट इसके बराबर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आप नीचे लिख दो हेंस स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन लिख दो, पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। देयरफोर इसकी एंडिंग वाली क्या लिखेंगे हम, कि दिस स्टेटमेंट देयरफोर में आप स्टेटमेंट लिख देना खाली, बुक ने क्या लिख, बुक ने खैर बहुत लंबी की हुई है, तो ट्रू फॉर ऑल आप लिख देना हैंस, नहीं सिंस लिख दो यहाँ पे, कि सिंस प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। अब आप देयरफोर लिखो, या आप इसको नुक्ते बना के लिख दो, कोई इशू नहीं है। सिंस और देयरफोर लिख दो, देयरफोर प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब आपने जब देखा कि एन इक्वल टू के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि आपकी स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर पे ठीक होगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर वन देखो यार, क्वेश्चन नंबर वन में राइट हैंड साइड बहुत ईजी होगी, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। अब मैं सवाल यही है, इसी में आपको बताऊँगा फ़र्क आपने क्या करना होगा, कि फॉर एग्जाम्पल टू में लिखा हुआ है 4 + 8 + 12 up to 4n, और ये बराबर है 2n n + 1। ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है, n की वैल्यू 1 पे प्रूफ करना। लेफ्ट हैंड साइड 4 है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो देखना ये भी 4 आ रहा होगा, तो बेस केस तो हो जाएगा। फिर आप लिखोगे एज्यूम के स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू k के ऊपर, तो आप बस क्या लिखोगे 4 + 8 + 12 + 4k = 2k k + 1। इसको 1 बोल देना, ये आपने स्टेटमेंट एज्यूम किया कि ठीक है। फिर आपको प्रूफ करना है कि क्या ये k प्लस वन पे ठीक है नहीं, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो k प्लस वन इसके अंदर लिखेंगे हम, फिर 4 + 8 + 12 kth टर्म है 4k। अब सवाल लेके इससे अगली टर्म जो k प्लस वन है वो क्या होगी, आप जनरल टर्म में पुट कर दो, जनरल टर्म ये है ना, तो यहाँ पे आप n की जगह पे k प्लस वन पुट कर दो, तो 4 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4k + 4, ये टर्म आपकी k प्लस वन होगी। और ये किसके बराबर होगी, आप ये जो सम का फॉर्मूला है इसमें k पुट कर दो, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर भी आप n की जगह k प्लस वन पुट कर दो, पूरा जो राइट हैंड साइड है आप उसके अंदर k प्लस वन पुट कर दो। अब ये पहली वाली चीज़ तो आपने एज्यूम की थी और आपने डायरेक्ट k पुट कर दिया था, बोला था ठीक है। दूसरी वाली चीज़ तो एज्यूम नहीं की ना, दूसरी में आपने अपनी तरफ से k प्लस वन पुट कर दिए, तो यही आपने प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट k प्लस वन पे भी ठीक है। मतलब ये पूरी राइट हैंड साइड किसके बराबर होगी, 2 × k + 1 × k + 1 + 1। मतलब जस्ट ये जो लिखा हुआ है इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया। तो ये वो राइट हैंड साइड है जिसके लिए आपने वर्किंग करनी है, ये आगे लिखना है इसके, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये ब्लैक में आप इस तरह लिखोगे। अब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे, प्रूफ में क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो चीज़ है ना, ये इक्वेशन नंबर वन में आप दोनों तरफ ऐड करवा दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी ऐड हो जाएगी ये वाली टर्म, और ये राइट हैंड साइड पर भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो वर्किंग है वो मैं करवाने लगा हूँ, ठीक है। फेयर स्टेप नहीं है ये, जाहिर सी बात है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सवाल करवा दिया पूरा, एक चीज़ को बार बार करवाने का टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना था, ये वाला जो 4k प्लस 4 है ना, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है, तो इस टाइप की स्टेटमेंट को आ जाएगी। असल चीज़ है इसको राइट हैंड साइड पे ऐड करना है, तो राइट हैंड साइड पे मौजूद है 2k k + 1, ऐड करवा दो आप 4k + 4, ठीक है। चाहो तो आप इसको इस तरह लिख दो, मतलब कॉमन ही ले लो इसका, क्योंकि आगे जाके फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप इस तरह लिख दो 4k + 1, इस तरह लिख दो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा था ना वैसे ही लिख दो, कोई इशू नहीं, सिंप्लीफाई करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर कॉमन लोगे। तो इस वाली चीज़ को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करवाना, राइट हैंड साइड पे ऐड करवाना, तो इसके साथ ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी मेहनत जो है वो इस पे होनी चाहिए कि किसी तरह ये पूरी चीज़ जो है ये इसके बराबर आ जाए, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। मेजॉरिटी सवालों में आपने यही करना है, आपने कॉमन लेना होता है। तो आप इन दोनों टर्म में के प्लस वन नज़र आ रहा है, कॉमन ले लो। पहली टर्म में आपको मिलेगा 2k और दूसरी टर्म से मिलेगा 4। अभी भी आप देखो वो वाली चीज़ मैच नहीं कर रही, यहाँ पे k प्लस वन तो आ गया लेकिन यहाँ पे 2 भी है, 2 भी चाहिए आपको, तो आप अंदर से 2 कॉमन ले सकते हो। ये जो 2k + 4 है इससे 2 कॉमन लो, तो क्या बन जाएगा, ये k + 2 बन जाएगा। अब देखो शुरू की दो टर्म, ये वाली जो दो चीज़ें हैं ना वो मैच कर रही हैं आपस में। असल चीज़ ये कि इसको भी कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में, तो दिखने में लग रहा है कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। k प्लस 2 को आप इस तरह लिख सकते हो k + 1 + 1। तो अब आप ऑब्जर्व करो, आपकी ये पूरी चीज़ जो है ये बराबर होगी इसके।
जैसे ये था ना यहाँ पे, आपने इसके अलावा प्रूफ किया था, तो आपने वो चीज़ बराबर प्रूफ कर दी। अब आप नीचे लिख दो सेंस जो आपकी प्रोपोजिशन है वो ट्रू है इन इक्वल टू के प्लस वन पे, देयर फोर आपकी स्टेटमेंट ठीक है सब नेचुरल नंबर के ऊपर। यार यही वर्किंग मैं हर सवाल की आप लोगों को बताऊंगा। तो अब मैं जो बाकी सवालों की एग्जांपल दूंगा, सबसे पहले हम उसमें के प्लस वन टर्म निकालेंगे क्योंकि वही ऐड करनी होती है। के प्लस वन टर्म निकालूंगा मैं आप लोगों के सामने और फिर मैं उसको राइट हैंड साइड पे ऐड करूंगा और उसके आगे की वर्किंग दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर में हम के प्लस वन वाली जो है ना वो कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म ये लिखी हुई है तो इसमें के प्लस वन पुट करो, ठीक है, ये हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू। तो ये वो टर्म होगी जो आप दोनों तरफ ऐड करवाओगे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है। तो इस वाली टर्म को जब आप राइट हैंड साइड में ऐड करवाओगे ना, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है वन अपॉन थ्री के, मैं क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहा हूँ, वन अपॉन थ्री के के प्लस वन के प्लस टू, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड है। इस पर आपने क्या ऐड करवाना है, इसमें आपने ये टर्म ऐड करवानी है, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और प्रूफ किसके बराबर करना होगा, प्रूफ इसके बराबर करना होगा, वन अपॉन थ्री एन की जगह के प्लस वन पुट करो, फिर इधर एन की जगह के प्लस वन पुट करो और फिर इधर एन की जगह के प्लस वन पुट करो। अगर किसी को नहीं समझ आया तो जो पुराने मैंने जितने क्वेश्चन समझाए आप देख लेना, क्योंकि फिर क्वेश्चन इतने बड़े हो जाते हैं काफ़ी टाइम लग रहा होता है उनके ऊपर। तो आपको ये पूरी चीज़ जो है ना इसको प्रूफ करना है इसके बराबर। कैसे प्रूफ करोगे, मैंने बताया कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आप के प्लस वन के प्लस टू कॉमन ले लो, पहले टर्म से क्या बचेगा के अपॉन थ्री, दूसरी टर्म से वन बच जाएगा, बस इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा के प्लस थ्री अपॉन थ्री, ये हो जाएगा। तो इस वन अपॉन थ्री को साइड पे रखो, पीछे क्या बचेगा, एक टर्म है के प्लस वन की, दूसरी है के प्लस टू की, के प्लस टू को कैसे लिख सकते हो के प्लस वन प्लस वन, और तीसरी टर्म के प्लस थ्री है, के प्लस थ्री को कैसे लिख सकते हो के प्लस वन प्लस टू। एग्जैक्ट ये पूरी चीज़ मैच कर रही है, इससे आप लिख दोगे प्रोपोजिशन आपकी ठीक है, सही है। भैया स्टूडेंट को मसला होता है कि राइट हैंड साइड मिलानी किस तरीके से, तो वो हमने देख लिया। अच्छा जी, फाइव फाइव थोड़ा शायद मसला कर सकता है। सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो प्रूफ किसके बराबर करना है और के प्लस वन टर्म, ये दो चीज़ें हम निकालते हैं। तो जनरल टर्म ये लिखी हुई है और प्रूफ किसके बराबर करना होगा, प्रूफ इसके बराबर करना होगा, वन अपॉन थ्री के प्लस वन टू के प्लस वन माइनस वन टू के प्लस वन प्लस वन, इसके बराबर प्रूफ करना है। ये जनरल टर्म है, हम जरा के प्लस वन टर्म निकालते हैं जो दोनों तरफ ऐड करनी होगी, तो वो कैसे आएगी, के प्लस वन पुट कर दो एन की जगह पे, हो जाएगा टू के, टू वन जै टू, टू माइनस वन वन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये वो टर्म है जो आपको इक्वेशन नंबर वन में दोनों तरफ ऐड करवानी होगी, ओपन ना करो क्योंकि कॉमन लोगे आप ऑलरेडी, तो इसको अभी ओपन ना करो। ये वो टर्म आपने इक्वेशन नंबर वन में दोनों तरफ ऐड करवानी होगी, तो इक्वेशन नंबर वन में राइट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ होगा वन अपॉन थ्री के टू के माइनस वन टू के प्लस वन, जो इक्वेशन नंबर वन आप बनाओगे देखना उसमें राइट हैंड साइड पे लिखा होगा, आप इस वाले टर्म को ऐड करवा देना। अच्छा अब अगर आप गौर करो, टू के प्लस वन टू के प्लस वन कॉमन आ गया, आप ले लो कॉमन, टू के प्लस वन आपने कॉमन ले लिया, पहले टर्म से बचेगा वन अपॉन थ्री के टू के माइनस वन, ये पहले टर्म से बच जाएगा, प्लस दूसरी टर्म में जब आप टू के प्लस वन की पावर वन आपने कॉमन ले ली तो पीछे क्या बचेगा टू के प्लस वन, ये बच जाएगा बस, ठीक है। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपने इसको इसके बराबर मैच करना है पूरा। अब ज़रा देख लेते किस तरह मैच करोगे, टू के प्लस वन बच्चों अपनी जगह पे रहने दो, वन अपॉन थ्री अपनी जगह पे, अंदर ज़रा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना, ये ऊपर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में थ्री है और यहाँ पे टू के प्लस वन लिखा हुआ है, तो जस्ट लाइक इसको आप किस तरह सिंप्लीफाई करते हो, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो वन के अंदर, तो वही काम करो, थ्री को मल्टीप्लाई करवाओ टू के प्लस वन से और ऐड करवा दो इसके अंदर। तो मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट एज इट इज़ लिख रहा हूँ, के टर्म ऊपर इसके मौजूद थी, थ्री को मल्टीप्लाई करवाओ टू के प्लस वन से, थ्री को मल्टीप्लाई करवाया टू के प्लस वन से, ऐड कर दिया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में थ्री अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन आपने कर लिया, यहाँ पे दो वन अपॉन थ्री क्यों आ रहे हैं, तो मैंने वन अपॉन थ्री अपनी तरफ से लगा दिया ना, ये वन अपॉन थ्री नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बाहर टू के प्लस वन ही मौजूद है, अंदर इस थ्री को मैंने
मल्टीप्लाई करवाया इससे और ऐड करवा दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एलसीएम 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस 1/3 को बाहर लिख सकते हो, ये जो 1/3 है ना, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप बाहर लिख दो, ठीक है, और जो अंदर है वो आप सिंप्लीफिकेशन कर लो। अब अंदर सिंप्लीफिकेशन क्या करोगे, बाहर मौजूद है ये चीज़ और अंदर मौजूद क्या आपके पास, मल्टीप्लाई करवाओ, ये हो जाएगा 2k² - k + 6k + 3। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2k² + 5k + 3। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 6 को आप किस तरह लिख सकते हो, 2 3 ज़ा, क्योंकि 6 को आप 6 1 ज़ा भी लिखते हो लेकिन सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते यहाँ पे। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 2k आप कॉमन लो, ये होगा k+1, यहाँ पे 3 कॉमन लो, k+1। तो इन शॉर्ट शुरू के 2 तो ऑलरेडी बाहर हैं, अच्छा बाकी क्या मिला, इन दोनों में k+1 कॉमन है तो k+1। पहली टर्म से बचेगा 2k, दूसरी टर्म से बचेगा 3, तो ये 3 टर्म आ रही हैं। तो आपने इसको मैच करवाना है इससे, आप कैसे मैच करवाओगे, सबसे पहले देखो 1/3 k+1 लिखा हुआ है, k+1 ऑलरेडी है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2k+1 - 1, ये है किसके बराबर, 2k, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 - 1 1, ये है बेसिकली 2k+1 और 2k+1 ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 2k+1 - 1, आप इस पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई करो, देखना ये वाली चीज़ आ रही होगी। इसी तरह ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है ये बिल्कुल इसके बराबर है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, एग्जैक्ट ये चीज़ आ रही होगी। तो 2k+3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2k+1 + 1। ये लिखने की वजह है कि एग्जैक्ट ये पूरी चीज़ मैच कर जाए इससे। तो जब इन टर्म्स को मैंने इस तरह लिखा तो अब देखो एग्जैक्ट ये पूरी चीज़ मैच कर रही है जो हमें प्रूफ करना था। तो दैट्स इट, असल चीज़ यही मसला करती है, वो हमने प्रूफ कर लिया, नीचे लिख देना कि आपकी प्रोपोजिशन ठीक है। उसके बाद बच्चों 5 का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में भी SH को इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, 4k+1, यार एग्जैक्ट उसी टाइप का सवाल है, हाँ 4k+1 स्क्वायर आ रहा होगा, कॉमन ले लोगे, 5 का पार्ट 2 कर लेना यार, इतना मुश्किल नहीं है, मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, वैसे कोई चीज़ नहीं है, इतने मैंने समझा दिया तो ये क्या चीज़ है। 6 पे आ जाओ, 6 बिल्कुल इसी टाइप का ही है जो 5 का पार्ट 2 था ना, उससे मैच कर रहा है। 6 में सवाल क्या है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, और जनरल टर्म क्या है, 2n का क्यूब, ये किसके बराबर है, 2n n+1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये किसके बराबर होगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने डिस्कस करना है, वो क्या है कि आपको, मैं वर्किंग तो नहीं करवा रहा, सबसे पहले आपको के प्लस जो ऐड आप दोनों तरफ करवाना होता है ना, वो टर्म निकालते हैं। वो कैसे निकालोगे, जनरल टर्म के अंदर n की जगह पुट कर दो k, तो n की जगह पुट कर दिया k प्लस, सॉरी n की जगह k+1 पुट करते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k+2 का होल क्यूब। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह लेने दो, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और k+1 पे क्यूब ही रहने दो, मतलब ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ ऐड करनी होगी, इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, ये जो सवाल लिखा हुआ है इसमें n की जगह k पुट कर देना, इक्वेशन 1 आ जाएगी, इसमें आपने दोनों तरफ ऐड करवाना है। तो सवाल ये कि इसमें प्रूफ क्या करना होगा, इसमें प्रूफ ये करना होगा कि 2k+1 को कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, n की जगह k+1 + 1 ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर। प्रूफ आपको ये करना है, प्रूफ करना बड़ा सिंपल होता है यार, जो n लिखा हुआ है ना उसकी जगह k+1 पुट करो, तो ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है, इस चीज़ को हमें लाना है पूरा। अब किस तरह लाएंगे ज़रा देख लेते हैं, सबसे पहले इस वाली चीज़ को आपने ऐड करवाना है, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड ये होगी, ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड होगी, तो आप क्या करो, आप जस्ट इस वाली चीज़ को ऐड करवा देना, ठीक है। अब ज़रा सवाल स्टार्ट करते हैं, 2 को अपनी जगह पर रहने दो, k² k² k+1 का स्क्वायर k+1 का स्क्वायर, वो देखो जो आपको प्रूफ करना है उसमें 2 कॉमन आया हुआ ना, तो आप 2 कॉमन ले लो, सबसे पहले एक तो 2 कॉमन ले लो, दूसरा k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो k+1 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। तो सवाल है कि पहली टर्म से क्या बचा, पहली टर्म से जस्ट k² बच गया, दूसरी टर्म में जब 2 कॉमन लिया यहाँ पे 4 बच गया, और k+1 का होल स्क्वायर कॉमन लिया था तो k+1 बच गया, ये सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करो सबसे पहले, k² + 4k + 1। अच्छा मैंने ये गलती की यहाँ पे, जिसकी वजह से मसला हो रहा है, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 होगा, ये मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैंने गलती की हुई है यार। तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक शायद हो जाएगी, तो ये 4 1 ज़ा 4 मतलब 2 2 ज़ा 4 है ना, हाँ 2k
प्लस टू के प्लस फोर, तो हो जाएगा के के प्लस टू, यहाँ पर टू कॉमन लो के प्लस टू। तो यहाँ पे बच्चों जो फैक्टर आ रहा है के प्लस टू मतलब के प्लस टू का होल स्क्वायर ये आ रहा है। तो आपके पास सिचुएशन क्या है, टू के प्लस वन का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है के प्लस टू का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है और आपने इसको मैच करना है उसके बराबर, कोई मसले वाली बात नहीं। सबसे पहले इन दोनों के स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख दो, ये लिख दो, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद देखो के प्लस वन तो ऑलरेडी मौजूद है, ये जो अंदर है ना ये के प्लस टू है बेसिकली, तो उसको इस फॉर्म में लिख दो के प्लस वन, और ये जो के प्लस टू है इसको आप इस तरह लिख दो के प्लस वन का प्लस वन, दैट्स इट। तो अब देखो आपकी ये पूरी चीज़ जो है ये बराबर होगी इसके, जैसे बराबर होगी इसका मतलब आपका सवाल प्रूव हो गया।